फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है और अगर हमें बहुत गर्मी लग रही होती है तो हम उसे शांत करने के लिए पानी पीते हैं, और वो पानी अगर अच्छा ठंडा होता है तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन घर के अंदर तो ये पॉसिबल है कि जब हमें प्यास लगे, हमारा गला सूखे, तो हम ठंडा पानी पी लेते हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम घर से ठंडा पानी लेकर भी जाते हैं तो भी वह थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे अब आपका पानी 10 से 12 घंटे तक भी गर्म नहीं होगा। बहुत से लोग तो क्या गलती करते हैं कि पानी जल्दी गर्म ना हो तो वह पूरी बोतल को ही फ्रीजर में जमाने के लिए रख देते हैं। तो जब हमें ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, जब गर्मी में लगती है हमको बहुत तेज प्यास और हम पानी पीने के लिए जैसे ही बोतल को खोलते हैं तो या तो उसमें से बूंद बूंद करके पानी गिरता है या फिर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो उस समय जब हमारी प्यास नहीं बुझती तो हमको बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि बोतल के अंदर तो बर्फ जमी है और वो तो धीरे धीरे करके ही घुलेगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए आज मैं जो ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको उससे बिल्कुल परफेक्ट ठंडा पानी पीने को मिलेगा और आपका पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, 10-12 घंटे तक ये इसी तरह से ठंडा बना रहेगा। हेलो एवरीवन, नवरत्न रसोई में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेनी है इस तरह की एक बोतल। ये नॉर्मल पानी की बोतल है, हर घर में ये आसानी से मिल जाती है। तो अब इसमें भरना है हमको पानी। आप भी कहेंगे तो इसमें क्या नई बात है, आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमको पानी डालना है वो हमें आधे से कम बोतल पानी इसमें भरना है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इसमें हमें पूरा पानी नहीं भरना है, बोतल को हमें आधे से कम ही भरना है। और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, मैंने आधे से कम ही इसको भरा है और अब इसको कराना है हमें आराम। मेरा मतलब है कि इसको हमें इस तरह से लिटा देना है, लेकिन किचन प्लेटफॉर्म पर नहीं, इसे हमें अपने फ्रीजर के अंदर इस तरह से लिटा कर रखना है। और इसके आगे वाले पार्ट को हम थोड़ा सा उठा के रखेंगे, तो इस तरह का कोई भी कैप इसके नीचे लगा देंगे। फ्रिज से हमने बॉटल निकाल ली है और हम देख लेते हैं कि हमारी बॉटल में किस तरह से पानी जमा है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ना, हमारी बोतल में बहुत अच्छी तरह से पानी जम गया है, लेकिन पूरी बोतल में नहीं, आधी बोतल में। अब हमको क्या करना है, अब हम इसमें डालेंगे हल्का ठंडा पानी। अब बस आपकी बोतल बाहर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे। अब आप इस बोतल को बाहर लेकर जाइए, आपको जब आप चाहेंगे, जब आपको ज़रूरत होगी, तब आपको बिल्कुल परफेक्ट ठंडा पानी पीने के लिए मिलेगा और पानी बहुत जल्दी से गर्म भी नहीं होगा। इस तरह से आप पानी को बहुत लंबे टाइम तक ठंडा रख सकते हैं। तो आपको क्या और करना है कि जब आप इस तरह की किसी बोतल को लेकर बाहर जाएं तो इसके ऊपर आप इस तरह से एक टॉवल लगा लें, जिससे कि क्या होगा कि जब ये बर्फ मेल्ट होती है तो इसमें से थोड़ा सा पानी बोतल के ऊपर भी आ जाता है, तो आपका बैग भी नहीं भीगेगा और इसमें पानी भी काफी देर तक ठंडा रहेगा। तो बस आप भी एक बार ट्राई कीजिए ये वाली ट्रिक। तो अब गर्मियों में आप घर में हो चाहे हो बाहर, हमेशा ही आप भी पी सकेंगे ठंडा ठंडा पानी। अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवरत्न रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन यूट्यूब, लाइक नवरत्न रसोई ऑन फेसबुक एंड फॉलो नवरत्न रसोई on Instagram and Twitter.